गाइज अभी जो आपको जुनैद भाई के हाथ में जो डोर दिखी रही है, रैपर दिखाई जुनैद भाई, एक बार ये देखा रैपर दिखाई, एक बार शीबैग नंबर वन, बड़ा ही फेमस मेकर रही है बरेली के, और इनके डोर बहुत अच्छी धूमधाम मचाई हुई है मार्केट में। कलर देखा, कलर कौन सी है? ये चॉकलेटी कलर है, चॉकलेटी कलर, थोड़ी मिट्टी जैसी खुली हुई है। कटिंग पावर इसका बहुत बढ़िया, शीबैग नंबर वन। ये एक्चुअली गाइज ये जो माजा है ना, एक्चुअली मैं टूर्नामेंट क्वालिटी का माजा है, टूर्नामेंट में लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो बशीर बेग नंबर वन जो है, ये माजा बहुत बेहतर है, अच्छा रिजल्ट देती है, हमेशा निराश नहीं करती कभी, और शर्ट भी अच्छा लड़ाने वाला हो। ये पहली डोर थी बशीर बेग नंबर वन, और आपको इसका दूसरा कलर दिखाया जाएगा गाइज। इसमें भी स्टॉक बहुत सारा आया हुआ है। अच्छा, ये कलर आप देख सकते हैं, ये फुल ब्लैक है, इसमें कलर ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी कलर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसमें उतना कलर नहीं है जितना आपको मैं बता, मतलब अभी इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया उतने कलर इसमें नहीं है। ये देखिए कलर बहुत प्यारी है, ग्रीन में बहुत अच्छा। ये देखिए 1-2-3 में वाली आपको मैं दिखा देता हूं, मतलब ये देखिए गाइस, ठीक है, 8 नंबर E 1-2-3, ठीक है, वर्धमान 1-2-3 पे बने भी होते। ये मैं आपको क्या दिखाऊंगा, ये कौन सा? ये है इद्रीस अहमद 9-5। अच्छा, इद्रीस अहमद, ये सब टूर्नामेंट क्वालिटी डोर है। कलर देखिए गाइस, बल खुली भी है, बॉडी डोर है, एश कलर है बिल्कुल। देखिए डोर, आप खुद हाथ में डोर मार के देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। इसका स्टॉक नहीं है, ये तो भाई मिलती बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, है ना? क्या किस बजट में आती है ये? 2500 के ऊपर। मजा भी है गाइस, बहुत अच्छा है, हाथ में लेंगे आप तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने अभी हाथ में लिया।
ये थी इद्रीस अहमद की 9 to 5. अब मैं आपको दिखाऊंगा इद्रीस अहमद का 9 to 6. अच्छा, देख सकते हैं इद्रीस अहमद का 9 to 6. बिल्कुल 9 to 6 चर्की में लिखा हुआ देख गया क्या. ये रही गाइस दूसरी डोर खुलती हुई इद्रीस अहमद भाई की, ये भी लगभग सेम कलर है. अभी आपने 9 to 5 देखा हाथ में, ये 9 to 6 है. देखिए 9 to 6 का मजा देखिए, आप खुद बताइए देखिए कितना फर्क है 9 to 5 और 9 to 6 में. हाँ गाइस बिल्कुल दोनों डोर में बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है. 5/6/2021 का है, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले का. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है. मतलब अगर 9 to 5 के परिस्पर अगर इसकी बात की जाए तो वो उससे ये बेहतर है 9 to 6. उससे बेहतर है 9 to 6, बहुत बढ़िया. ये भी 25 to 3 के बजट में, 25 to 3 के आसपास. ठीक है गाइस, ये थी इद्रीस अहमद की दूसरी डोर 9 to 6. तो हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे आप सब. मेरा नाम आप फिर जो आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैडिंग एंड आर्ट, और आज हम आए हुए हैं यहाँ जुनैद भाई के पास. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि फिर मिलते हैं, वो स्टॉक आने वाला था मंडे को, बट किसी वजह से वो लेट हो गई और स्टॉक आई है आज. दिन है बुधवार और तारीख है 16. तो आज जो भी स्टॉक आया है नया मंजो का, पतंगों का, वो सब आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं भाई. बेशक, तो जितना भी स्टॉक आया है मंजो का, पतंगों का, वो सारे हम लोग आपको दिखाने वाले हैं. जैसे मान जी, तो बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पे. बशीर बेग है, यूनुस इकबाल है, नासिर भारती है, और आपका चौबारा भी है अलाहाबाद का. इद्रीस अहमद भी है 9 to 5, 9 to 6, लल्ला नंबर 1 है. मतलब बहुत सारे मांझे हैं, आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ. जितना पॉसिबल हो सकता है मैं दिखाऊंगा, जुनैद भाई दिखाएंगे, आपको हेल्प करेंगे. और पतंगे अद्धी में सारे हैं, कुछ देवराज के है ना, कुछ देवराज के भी है आपका, और और भी है देवराज आई हुई है, उसके बाद त्रिमूर्ति आई हुई है, दानिश आई हुई है, उसके बाद फिर साजिद चुन्नू आई हुई है. बहुत सारी पतंगे, बहुत सारे मेकर्स के अध्याय आए हुए, अलग अलग सिटीज के आए हुए, कुछ लखनऊ के, कुछ आपके मुरादाबाद के, है ना. जी हाँ, तो अब कोवन टू वन करके दिखाते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो बने रहे वीडियो के साथ और देखते रहे कैटिंग एंड आर्ट और जुनैद भाई को भी. ठीक है गाइस, बैक टू बैक मांझा दिखाया जाएगा आपको और पतंगे भी दिखाएंगे. किसका जुनैद भाई? भाई ये नासिर भारती का मंजा है. अच्छा, नासिर भारती, बरेली. कलर देखिए इसका, पिंक कलर है जी, एकदम बारीक डोर है. ये खुद अपने आप में एक ब्रांड है, नासिर भारती. यह बड़ा नाम है इनका मंजे की दुनिया में. ज्यादा दाम नहीं है मंजे का, बजट में आता, पॉकेट फ्रेंडली है. अच्छा, और रह गई बात, भैया मंजा तो काटेगा नहीं, काटना तो आप ही को होगा. हम क्वालिटी दे सकते हैं, आप देखिए क्वालिटी बिल्कुल चिकनी डोर है, बारीक डोर है, ब्लेड की तरह एकदम बारीक डोर है. कलर गुलाबी है, कलर और मैं दिखाता हूँ, इसकी कलर और भी आपको दिख जाएगी. इसकी तो लमसम बहुत ही चर्की आएगी अभी स्टॉक में, इसकी बहुत सारी चर्की है. नासिर भारती चिकनी डोर है, गुलाबी में बड़ा प्यारा बाहर आएगी. क्या किस बजट में आएगी? 2 के अंदर, 2 के ऊपर, 2 के लगभग आ जाएगी. 2 के लगभग भी आ जाएगी. ठीक है, ये एक और दूसरा कलर है नासिर भारती. कलर देखिए, कलर देखिए, डार्क पर्पल जैसा जामुनी कलर है, बिल्कुल जैसा. ये भी सेम मेकर की है, नासिर भारती फ्रॉम बरेली. ये तीसरी कलर जो मैं आपको खोल के दिखाने वाले हैं, इसमें बहुत कलर है, सब तो कलर मैं नहीं दिखा पाऊंगा भाई. ओहो, क्या कलर है, लेकिन आपको कलर इसमें बहुत मिल जाएंगे. दिखेगा इस क्या कलर है, ये 3 कलर हो गए नासिर भारती. ये आपको चौथी कलर ब्रांड में खोल के दिखा रहे हैं. ये देखिए गाइस, कैमल कलर में, ये कैमल कलर रही, ये थोड़ी रेड ऑरेंज टाइप की रही, और ये आपकी पर्पल जामुन कलर की रही. ये ब्लड रेड हो गया, यहाँ पे ये ब्लड रेड जैसा है. ये एक और रेड आपको दिखा रहे, ये एक और कलर जुनैद भाई दिखाते हैं यहाँ पे मांझे का. ये देखिए चॉकलेटी में, मरून में, मरून कह सकते हैं सर. अच्छा जुनैद भाई,
जैसे ये जो यहाँ पे पांच चर की नासिर भारती है, ठीक है, तो हर मंजे का अपना अपना क्वालिटी होता है, वो अलग अलग पेज के लिए यूज किया जाता है, तो नासिर भारती जो मंजे है वो किस तरह के पेज के लिए यूज किया जा सकता है भाई? वो देखिए, हंस के लड़ाने में इसका अच्छा रिजल्ट है भाई। प्लेयर तो गाइस हर तरह के होते हैं ना, कुछ हाँ। के खेलने वाले तो कुछ खींच के खेलने वाले, कुछ अंदर बाहर के थपकियों में खेलने वाले, तो उसके हिसाब से वो अपना मंजा यूज करते हैं। मैं इसका डोल लास्ट 6 महीने पहले बेचा था। अच्छा, तो अभी फिलहाल गर्म की जब हवा खुली तो इसके लिए मेरे को बहुत सारे कस्टमर ने फोन किया। जुनैद भाई, मैंने आपसे नासिर भारती लेके गया था 6 महीना पहले, तो वापस फिर मंगवाइए और वापस फिर मंगवा के मुझे फिर दीजिए। अच्छा, डिमांड ऑन डिमांड आया है, बहुत डिमांडेड दौड़ है, जल्दी मिलता भी नहीं है। अच्छा, तो बहुत मुश्किल से मुझे खुद मिला है। अच्छा, और मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं, जब तक आप उड़ाइएगा नहीं इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। जब तक गाइस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे चीज को, खुद परख के नहीं देखेंगे, फिर तो किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए परखिए, तब समझ में आएगी खुद की दौड़ है, चीज क्या है, रगे खुलने वाली है। अच्छा, अभी ताजा बन के आई है, ताजा बन के हफ्ते 10 दिन और रखा जाएगा, बले खुल जाएंगे, बले रगे खुल जाएंगे डोर की, उसके बाद फिर लड़ाई है ना। ऐसे गाइस, ये हो गया एक मेकर नासिर भारती का, आपको सारा कलर दिखा दिया गया, और भी बहुत कलर है, बहुत कलर इसके 40 चर के लगभग आए हुए हैं, तो माल इसका अवेलेबल है, टेंशन लेने का नहीं अभी। ओके, आपको हर कलर में मिल जाएगा, बहुत सारे कलर है इसके अभी। नासिर भारती ये हो गया एक मेकर का, आपको बहुत सारे कारीगर को नफरी थी भाई, बरेली में इतने कारीगर है कि कोई किसी को सही से जानता नहीं है। सही बात है, देखिए इतने बेहतरीन चरके हैं, 2000 के अंदर के चरका है, समझे, अब्दुल कादिर। अच्छा, रगे खुली भी हैं, एकदम चिकना सूता है। अच्छा, आप खुद हाथ में देखे देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ये सब कारीगर गडोर कलकत्ते में आते ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, बेचारे जानकारी होंगे इस सब मंजे के बारे में आदमी लोग को, तब ना पता चलेगा डोर ये सब भी आता है। सही बात, आप खुद देखिए डोर। जुनैद भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग अब तक मांझों से, बहुत सारे मेकर से जो अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं, वो भी जुनैद भाई उस चीज़ को भी कोलकाता में ला रहे हैं, उनकी पहल है। जो भी अच्छे अच्छे बरेली के मेकर है जो अभी तक और शहरों तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी जुनैद भाई कोशिश कर रहे हैं कोलकाता में लेके आ रहे हैं कि जो भी शौक करने वाले हैं उनको ये सब चीज़ें मिल सके। अभी मैं आपको इसका कलर अगर दिखाऊँगा, इसके भी बहुत सारे कलर है, ये भी लमसम मेरे पास 40-45 चर के घर में पड़े हुए हैं। बिल्कुल गाइस, इसके कलर देखिए, बरेली में इतने सारे मांझे के मेकर है ना, कौन करना और सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है बड़े भाई कि हम इतने कारीगरों का चरका बेच पाए। लाखों की तादाद में ये उसकी दूसरी कलर है, अब्दुल कादिर ना जी हाँ। ये देखिए ब्लैक में, आप देख सकते हैं काज कितना शाइनिंग कर रहा है। ये इसकी तीसरी कलर अब्दुल कादिर, मेरा कोशिश तो यही रहता है कि हमेशा अच्छे अच्छे नए नए कारीगर खोज के लेके आए। बिल्कुल, नए नए कारीगरों से रूबरू करवाएं आपके हाथ तक, बहुत बढ़िया। अब्दुल कादिर बारीक दौड़ है, बल खुली हुई है, तेज हवा और फंस के लड़ाई, तेज हवा में तो बहुत उम्दा लड़ेगी, बहुत उम्दा लड़ेगी। देखा, उड़ाने वाले को उड़ाना आना चाहिए, लड़ाना आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महंगा मंजा लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये देखिए गाइस, ऑरेंज कलर में अब बहुत बढ़िया डोर चिकनी है, फंस के बहुत अच्छी लड़ेगी, सही बल में फंसे तो आसान है। महंगा 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 लेके होगा क्या मेरे भाई, जब तुमको पेज ही नहीं लड़ाना आएगा तो। बिल्कुल, ये है आपकी लगभग सीमेंट कलर की जैसी है ये, और इसमें लगभग मेरे पास 40-45 चरका है इसका, और सब कलर में जी हाँ, और 2000 के अंदर का चरका है, 2000 का बजट का डोर है गाइस, तेज हवा फंस के लड़ने के लिए। देखिए आज मैंने उस दिन मैं आपको लास्ट वीडियो में सिर्फ एक ही चरका दिखा पाया था, किसका, वसीम बेग 7 स्टार का रेड कलर दिखाया था लास्ट वीडियो में, इसलिए इस बार खास करके मैंने उतार के रखा, जो कि अफसर भाई को बहुत पसंद आई थी ये डोर वसीम बेग का लाल वाला, उन्होंने कहा है कि वो लेके जाएंगे। ये
देखेगा इस कलर देखें बहुत बढ़िया वसीम बेग सेवा नस्टा जुबैर बेग बहुत बढ़िया चिकनी डोर है तीस हवा में बहुत फंसके लड़ेगी बहुत उमदा लड़ेगी भाई ये ना चिकनी तो बहुत दूर की बात है प्लास्टिक है प्लास्टिक प्लास्टिक है जिसको आदमी बोलता है प्लास्टिक क्वालिटी लेकिन ये 1-2-3 में है ना ही नाइलोन है ना ही पांडा है ना ही रॉकेट है ना ही चाइनीज बन जाए ये प्योर 1-2-3 में कारीगर का मेहनत किया हुआ सूता है कि भैया काटेगा जरूर और जाए जुनैद भाई के थ्रू ये मैसेज भी सुन लीजिए चाइनीज जो ये वो डोर नहीं उड़ाया ना मत उड़ाइए मेरे भाई किसी का तकलीफ हो उससे क्या बेहतर दो पैसे सस्ते पे मत जाइए गाइस दो पैसे सस्ते आपको पड़ेगा पर किसी के लिए वो बहुत महंगा पड़ जाएगा मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ और भी कलर गाइस वसीम बेग की हमने अभी एक कलर लेके थी ये उसकी दूसरी कलर आपको जुनैद भाई दिखा रहे हैं अभी वसीम बेग कलर देखें बैंगनी पर्पल ये देखिए 1-2-3 पे है 1-2-3 पे बिल्कुल बारी कोई ना बोले रॉकेट है पांडा है चाइना बन गया है शाबाश कैसा है तेरा देखना बताना सबको चिकनी डोर है बहुत अच्छी डोर है चिकनी भी है फसा के लड़ने के लिए बहुत अच्छी है फसा के खींच के बहुत अच्छी कटिंग पावर है मंजा में साफनेस है आप साफनेस देख सकते हो ये थी गाइस एक दूसरी कलर एक और कलर अभी एक या दो तीन और कलर भी आपको अभी जुनैद भाई दिखाने वाले हैं इसी ब्लॉग पे कलर देखें भाई सीन बेक ब्लैक टाइगर बहुत बढ़िया ये थी एक और कलर भाई आपको एक और कलर दिखाएंगे वसीम भी तो इनके पास स्टॉक है क्वालिटी है वैरायटी है कलर्स है अगर आप कलर के शौकीन हैं तो कलर भी हर कलर आपको मिल जाएंगे ये देखिए एक और कलर तो ये थी गाइस पांच चरखियां पांच डिफरेंट कलर वसीम बेग से बनस्ता और भी बहुत कलर है अफरीदी भाई और भी बहुत सारे मंजे हैं लेकिन हर कलर खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है तो गाइस वहाँ पे आपको मंजों का स्टॉक दिखाया या कुछ और भी मंजे जो बाकी है और उसके बाद अभी हम आपको सद्दी का स्टॉक दिखाते हैं सद्दी में किसकी सद्दी है जुनैद भाई ये देखिए बनने की बारीक सद्दी बनने की बारीक कितनी बारीक है दो नंबर है क्या देखिए होता तीन ही नंबर है अच्छा। लेकिन उसको बारीक में माज के बनाया जाता है अच्छा। इसकी वजह से आदमी लोग बोलता है दो नंबर कारीगरी ऊपर की कारीगरी जो होती है कोटिंग होती है किसी की मोटी होती है किसी की पतली होती है ये तीन ही नंबर सद्दी है लेकिन उसको बारीक बनाया हुआ है ये तीन नंबर सद्दी है मतलब अंदर कोड है जो इसका 1-2-3 का या विक्टर का होगा तो तीन कोड होगा उसके ऊपर जो कारीगरी की गई है वो बारीक की गई है ठीक है तीन नंबर है बट बारीक है मसाला ज्यादा नहीं अब आप ये देख सकते हैं साफ सुखाएंगे ये देखिए कितनी कलर है आई हुई है ये देखिए बनने के सारे डोर है ये देखिए 1-2-3-4-5-6 डिफरेंट कलर सब ट्वाइस मतलब डबल कलर में सारे हैं डिफरेंट देखिए वैरायटी देखिए कलरों के सारे बनने के है ना बनने भाई अलाहाबाद जैसे कि देखिए वासुदी भाई ये सब चरके तो और खुलने के देखिए आप दिखा सकते हैं 20 चक्रे पड़े हुए बहुत सारे बड़ी लाइन पड़े हुए यहाँ पे बहुत सारे ऊपर भी पड़े हुए हैं तो सब तो खुलना खुल के दिखाना पॉसिबल है नहीं साइड में भी बहुत सारी मांझे डोर है स्टॉक में और भी है तो पॉसिबल नहीं है दिखाना ये देखिए चौबारा ये आपका अलाहाबाद का अलाहाबाद विनोद भाई का चौबारा है ना ये विनोद भाई का चौबारा है जो कि थपकियों में बहुत अच्छी रिजल्ट देती है
जहाँ पे डोर फंसे वहाँ पे बस थपकिया लगाइए अंदर बाहर की जैसे आपको समझ में आता हो और फिर काटिए। ये है विनोद भाई अल्लाहाबाद का चौबारा। तो आपको यहाँ पे चौबारा भी मिल जाएगा। आपको मेरे पास यहाँ पे लल्ला नंबर वन, लल्ला लच्छी, वेद चक्रा, और वेद चक्रा से नीचे वाला कुछ नहीं मैं बेचता हूँ। जैसे कि उसमें आता है आसमान का तूफान आता है, आता है। और उसके बाद फिर ब्लैक स्कॉर्पियन आता है, वो सब मैं नहीं बेचता हूँ। मैं वे चक्र जाकिर भाई का सिर्फ वे चक्र ही बेचता हूँ। और उसके बाद आपको बरेली लायन, यूनुस इकबाल 90998, यूनुस इकबाल 2016 टूर्नामेंट विनर। जुनैद पे एक सवाल है, जितने पतंग उड़ाने वाले हैं जब वो माजा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उनको बोलते हैं कि ये लच्छी है लच्छी है लच्छी है, तो ये लच्छी का क्या माजरा क्या है? देखिए भाई, हर दुकानदार के पास अपनी अपनी बातें हैं, मेरे पास भी अपनी अपनी बात है। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि लच्छी है लच्छी है, ये लच्छी महंगी है, इस पे कारीगरी अच्छी की गई है इसलिए लच्छी है, क्या माजरा क्या उसका? देखिए लच्छी की बातें ऐसी है कि लच्छी बोलने से लच्छी नहीं हो जाती, वो कस्टमर को खुद देखना होगा समझना होगा कि डोर क्या है नहीं है। लच्छी का कम से कम का दाम होगा 2200-2300 रुपए। जैसे जी हाँ, जैसे कि ये बशीर बैग है, ये लच्छी है। लच्छी होती क्या? लच्छी को लच्छी ये होती है मेरे भाई, उसको पहले मंजा बनाया जाता है, मंजा बनाने के बाद एक दो कोट मारने के बाद उसको फिर उतारा जाता है, धोया जाता है, उसमें सामान डाल के उसको पकाया जाता है रात में, उसके दूसरे दिन फिर उसको टाना जाता है, टानने के बाद फिर उसमें माजा जाता है, उसको सही से आदमी दो हाथ तीन हाथ फिर उसमें काम करता है, काम करने के बाद फिर जो मंजा तैयार होता है उसको बोला जाता है लच्छी। और जल्दी कोई लच्छी बनाता नहीं। तो सूता को रंग कर देगा गिट्टी को और बोलेगा कि भैया उसमें मंजा बना के दे दे, बोलेगा लच्छी, तो लच्छी नहीं होता। तो ठीक है गाइस, जैसा कि आपने अभी जुनैद भाई से सुना कि लच्छी एक्चुअली होती क्या है और ये कैसे बनती है, तो इसमें क्या टाइम भी बहुत उसमें लगता भाई, कम से कम 2-3 दिन का प्रोसेस है और जल्दी कोई कारीगर बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है। लेकिन बरेली में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कारीगर हैं जो बनाते भी हैं, वाजिब रेट भी लेते हैं जिसको, और ऐसे बहुत सारे कारीगर हैं अफरीदी भाई कि हम लोग उसको पहचानते भी नहीं है और कलकत्ते में उनका कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, तो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो कलकत्ते में जिनका नामो निशान नहीं है उनको भी यहाँ लाया जाए, वो सब कारीगर को भी यहाँ ला के दिया जाए कि भैया कम दाम में भी डोर मिलती है। ऐसा नहीं है कि भैया हर डोर 2500-3000 का होता है। सही बात। तो ठीक है गाइस, आपका जो ये सवाल था एक कि मतलब लच्छी होती क्या, तो वो शायद आपके जहन से क्लियर हो गया होगा कि लच्छी बनती कैसी होती क्या है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको अभी मांझे का स्टॉक दिखाया, सद्दी का स्टॉक दिखाया, चौबारा भी दिखाया, तो अब कुछ पतंगों के बैग्स है जो खुलने वाले हैं, तो जैसे मुरादाबाद की पतंग है, कुछ लखनऊ की पतंग है, त्रिमूर्ति जी की है, और क्या इसका दानिश का, ये बबलू की पतंग है, बबलू की पतंग प्लेन में मुरादाबाद फरमा देंगे भाई, चौकोर फरमा छाती फैला हुआ समोसा वाला, तो बहुत सारे लोग बरेली साइड में समोसा फरमा भी बोलते हैं। ये देखिए आप समोसा, ये देखिए ठट्टा कमानी सेका हुआ पूरा। अच्छा, ये जो कमान है ये ठंडा है सब कहा, कोलकाता का सारा नहीं, ये भैया ये वहीं का है, मुरादाबाद का, ये यहाँ का नहीं है। ये किसकी है? ये त्रिमूर्ति की पतंग है लखनऊ, त्रिमूर्ति लखनऊ बड़े फेमस मेकर, और इनका जो इनके पतंग में खूबी एक ये होती है, मैंने उड़ाई भी इनके पतंग, इनका जो कमान लगा हुआ था ना बहुत भारी और वेटेड कमान लगा हुआ था, तेज हवा में फंसा है, इतनी टाइट का मान है कि एक दूसरे से हिल नहीं रही है। यही इनकी खासियत है, इनकी पतंग की इनकी कमान जो लगी हुई होती है ना बहुत कड़क दे, फरमा देखे देख रहे 1000-1200-1400 सब चला जाएगा ये पतंग, फिनिशिंग देखे आपको मैं दिखाता हूँ, कमान नजदीक से दिखा रहा हूँ एक बार देखे, कितने गोल गोल और मजबूत कमान लगे हुए, ये देखे कमान देखे गाइस, और आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये त्रिमूर्ति की है कि नहीं, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें त्रिमूर्ति लखनऊ, यहाँ पे नंबर भी दे रखा, स्टैम्प लगा हुआ, ठीक है गाइस क्लियर हो गया होगा डॉट सारा, फरमा देखें ये देखिए गोल फरमा में साजिद चुन्नू, साजिद चुन्नू मुरादाबाद,
खोल फर्मे में, ये देखें गाइस बता देंगे ब्लू में प्लेन पतंग है, और प्लेन पतंग ही गाने के लिए अच्छी होती है। ब्लू में रेड, रेड क्या ऑरेंज पत्ते, ब्लू में ऑरेंज पत्ते हैं, ब्लू में ब्लू पत्ते हैं, ब्लू में स्काई। गाइस जितना हो सका हमने आपको स्टॉक दिखाया पतंगों का, मांझों का, सर्दियों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थोड़ा रश हो गया शॉप पे, तो जुनैद भाई से अलविदा लेने का वक्त आ गया, क्योंकि इतने रश में सामान दिखाना निकालना पॉसिबल नहीं होता है स्टॉक दिखाना। तो अब जुनैद भाई को थोड़ा वक्त दे कि वो दुकानदारी भी कर सके, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कितना रश हो चुका है ऑलरेडी, इतने रश में स्टॉक दिखाना पॉसिबल नहीं होता भाई। ये देखिए कुछ कस्टमर तो कैमरा देखते भाग गए, हाँ ऐसा जैसा कि मतलब कोई भूत वो देख लिया हो, है जुनैद भाई जी। भाई तो आप दुकानदारी करें आप इंशाल्लाह भाई, काफी रहा आपको काफी। मैं फिर नेक्स्ट हाँ। आपको नेक्स्ट वीक फिर बुलाऊंगा, जरूर जरूर, नेक्स्ट वीक फिर कुछ नया नया दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीक फिर कुछ नया आएगा, फिर आपको कुछ दिखाऊंगा, आप अपने सबको दिखाइएगा, ठीक है। तो अब अलविदा लेते हैं गाइस।